हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीजे ऑपरेटिंग के बारे में, जिसका हम लोग आज डीजे ऑपरेटिंग की वीडियोस में हम लोग जानेंगे कि 1 से 2 एम्पलीफायर को हम लोग कैसे लिंक करेंगे। मान लीजिए आप 1 से 2 एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं बेस के लिए आप 2 एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं, तो उस 2 एम्पलीफायर के लिए हम लोग लिंक कैसे करेंगे, यानी डीजी चेन जो हम लोग करते हैं इस एम्पलीफायर से इस एम्पलीफायर को हम लोग कैसे सेम फ्रीक्वेंसी देंगे। मान लीजिए आप इस एम्पलीफायर पर लो चला रहे हैं, बेस चला रहे हैं, तो इस दोनों एम्पलीफायर में हम लोग कैसे लिंक करेंगे उसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। जैसे कि मिक्सर लगा के, क्रॉसओवर लगा के कैसे हम लोग करते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल सेंड कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहां पर मिक्सर है, 2 एम्पलीफायर है, तो इस 2 एम्पलीफायर में मान लीजिए आप टॉप चला सकते हैं या फिर बेस, लेकिन दोनों एम्पलीफायर में सेम चीज चलाना है आपको। बेस चलाना तो दोनों एम्पलीफायर में चलाना है, टॉप चलाना तो दोनों एम्पलीफायर में चलाना है, और उसी के लिए सेम फ्रीक्वेंसी आपको कैसे इस दोनों 2 एम्पलीफायर को लिंक करना है उसके बारे में आप लोग मैं डिटेल्स बताऊंगा। तो मान लीजिए हम लोग इस एम्पलीफायर पे 2-4 बेस चला रहे हैं और इस एम्पलीफायर पे 2 बेस चला रहे हैं, यानी 6 बेस चला रहे हैं। तो कैसे हम लोग इसका कनेक्शन करेंगे, 2 एम्पलीफायर के लिए सेम फ्रीक्वेंसी कैसे जाएगा और कैसे हम लोग इसको लिंक करेंगे 2 एम्पलीफायर को, उसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे। तो यहाँ पर हम लोग मिक्सर रखे हैं, तो मिक्सर से हम लोग यूज़ करके इसके बारे में डिटेल्स आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या होता है, यहाँ पर देखिए मिक्सर का जो आउटपुट सेक्शन है, यहाँ पर बैलेंस आउटपुट है XLR का, यहाँ पर भी आउटपुट है, ये RCA आउटपुट है और यहाँ पर इनपुट सेक्शन है, ठीक है। तो आउटपुट सेक्शन से आपको लेफ्ट और राइट चैनल से आउटपुट लेना है पहले, और उसके बाद आपको एम्पलीफायर में इनपुट देना है। पहले एम्पलीफायर में चैनल 1 और 2 पर इनपुट देना है, उसके बाद उसका जो चैनल 1 का ये लिंक लिखा हुआ है देखिए और चैनल 2 का लिंक लिखा है, ये लिंक जो होता है दोस्तों उसको हम लोग दूसरे एम्पलीफायर में इनपुट करके उसको लिंक करेंगे, यानी ये लिंक करने के लिए ही ये आपको डायरेक्ट आउट दिया हुआ है। चैनल 1 का लिंक जो लिखा है वो डायरेक्ट आउट है, इस चैनल का डायरेक्ट आउट है। दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि आपको सबसे पहले, मतलब आप मान लीजिए कि आप इस दोनों एम्पलीफायर में पैरेलल मोड पर चला रहे हैं, तो इस एम्पलीफायर को भी पैरेलल मोड पर और इस एम्पलीफायर को भी पैरेलल मोड पर, स्टीरियो तो स्टीरियो, ब्रिज तो ब्रिज, ये आपको चीज़ मतलब ध्यान रखना पड़ेगा कि एक ऐसा नहीं होता कि आप यहाँ पर स्टीरियो यहाँ पर पैरेलल चला लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको सेम ही मतलब मोड कनेक्शन रखना है। और एक डाउट होता है जो कि मान लीजिए ये एम्पलीफायर 5000 वाट का, ये एम्पलीफायर 7000 वाट का है, तो इसको हम लोग लिंक कर सकते हैं कि नहीं, तो ऑब्वियसली कर सकते हैं इसको लिंक, क्योंकि ये एम्पलीफायर जो 5000 वाट हो गया, ये 7000 वाट, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना वाटेज चाहे दोनों एम्पलीफायर का अलग हो सकता है, उसको हम लोग लिंक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका जो मोड सिलेक्शन है वो सही होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको डिटेल्स कनेक्शन करके बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मिक्सर से यहाँ पर देखिए लेफ्ट चैनल से मैं आउटपुट ले रहा हूँ, तो ये मैंने पहले लेफ्ट चैनल से आउटपुट ले लिया, और उसको हम लोग क्या करेंगे, एम्पलीफायर किसी भी एम्पलीफायर में हम लोग इनपुट कर देंगे फास्ट, जो जिसमें भी हम लोग बेस चला रहे हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर इनपुट करेंगे, तो ये इस एम्पलीफायर के यहाँ पर देखिए चैनल 1 है, लेफ्ट चैनल से जो आया होगा चैनल 1 पर हम लोग यहाँ पर इनपुट कर देंगे, ये हो गया इनपुट, प्लस हो गया मिक्सर से आया और एम्पलीफायर में इनपुट हो गया। सेम उसी तरह राइट चैनल से हम लोग आउटपुट लेंगे, एम्पलीफायर में चैनल 2 में इनपुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने चैनल 1 के लिए ये मैंने रेड वाला लिया और चैनल 2 के लिए मैं ये ग्रीन वाला ले रहा हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर हमने चैनल 2 के लिए ये ले लिया और यहाँ पर एम्पलीफायर के चैनल 2 में हम लोग इसको इनपुट कर देंगे, ठीक है। बस ये हो गया, देखिए मिक्सर से चैनल 1 के लिए रेड वाला आया और चैनल 1 में एम्पलीफायर का चैनल 1 में इनपुट, ग्रीन वाला चैनल 2 से आया और चैनल एम्पलीफायर का चैनल 2 से, यानी ये हमारा पहले एम्पलीफायर के लिए ये कनेक्शन रेडी हो गया। हम लोग और इसको और एक एम्पलीफायर के साथ लिंक करेंगे, तो यहाँ पर जो डायरेक्ट लिंक चैनल 1 का लिंक, चैनल 2 का लिंक, वो जो लिखा हुआ है ना, चैनल 1 से पहले हम लोग लिंक लेंगे और इस एम्पलीफायर का चैनल ए, ये आपको ध्यान रखना होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर इसमें गलत कर देते हैं चैनल 1 का चैनल बी, चैनल 2 का चैनल ए से कर देंगे, तो ये आपको नहीं मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगा और आपका जो दूसरा एम्पलीफायर के साथ लिंक ही नहीं होगा ये, ठीक है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। चैनल 1 का चैनल 1 जो होता है वो चैनल ए होता है, उसमें कोई कन्फ्यूजन रखना नहीं है। चैनल 1 का चैनल ए में जाके इनपुट होगा, चैनल 2 का चैनल बी में इनपुट होगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। फिर से हम लोग ये रेड वाला लेंगे, रेड वाला इनपुट हुआ है ना, यहाँ से देखिए ये रेड वाला मैं चैनल 1 से आउटपुट ले रहा हूँ और इसको हम लोग सिंपली इनपुट करेंगे इस एम्पलीफायर के चैनल ए पे, ए यानी 1 है, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया सिंपली, वैसे चैनल 2 के लिए हम लोग लेंगे, ठीक है। तो चैनल 2 के लिए हम लोग लेते हैं ब्लैक वाला कलर, ये मैंने ले लिया ब्लैक वाला, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये ब्लैक वाला है ना, चैनल 2 लिखा हुआ है, देख लीजिए चैनल 2 ब्लैक वाला, ब्लैक कलर है ना। यहाँ पर आइए दूसरे एम्पलीफायर का चैनल बी पे इनपुट दे देंगे, अब ये हो जाएगा। चलिए ये मैंने ले लिया, हो गया चैनल बी पे दे दिया मैंने, ये मतलब हो गया आपका सेट कनेक्शन हो गया कंप्लीट। तो आप अभी ये इस एम्पलीफायर के साथ ये एम्पलीफायर लिंक हो गया। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी आप लोग डालेंगे यहीं पर भी वही फ्रीक्वेंसी आएगा, यहाँ पर बेस लगाए हैं 4, यहीं पे 2 लगाए हैं, तो 6 बेस सारे सेम फ्रीक्वेंसी में बजेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं आपको फिर से एक बार
स्टार्टिंग से बता देता हूँ। मिक्सर से लेफ्ट और राइट चैनल से आपको आउटपुट लेना है, पहले एम्पलीफायर के चैनल वन और चैनल टू पे इनपुट देना है, ठीक है, और उसी के डायरेक्ट लिंक आउटपुट से ये आपको लेना है चैनल वन और चैनल टू से आउटपुट, और दूसरे एम्पलीफायर के चैनल ए और चैनल बी यानी चैनल वन और चैनल टू पे इनपुट देना है, बस यही करना है आपको और कुछ नहीं करना है। और जो डाउट्स है आपको, मतलब एक एम्पलीफायर 5000 वाट, एक एम्पलीफायर 7000 वाट, कोई दिक्कत नहीं है, आप चला सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो डाउट आपको इंपॉर्टेंट वाला चीज़ है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, क्या है वो, चैनल वन का चैनल ए पे, चैनल टू का चैनल बी पे लिंक होना चाहिए, ये आपको जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना, नहीं तो आपका फ्रीक्वेंसी गड़बड़ हो जाएगी और आपका जो साउंड है वो सेम नहीं आएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस नहीं, अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर देना यार, बहुत ही मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, और जो हमारे चैनल पर नया है ऐसे लेटेस्ट डीजे रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर से मुलाकात होगी आपसे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।